हेलो दोस्तों, आज का हमारा पाठ बचपन, कृष्णा सोबती जी का बचपन, इसके बारे में बताया गया है। लेखिका बच्चों को अपने बचपन के बारे में कुछ बताना चाहती है। वह बड़ी हो गई है, वह पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, उसमें अब सयानापन आ गया है। बचपन में जब वह रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी तो उसके मुकाबले आज उसे हल्के रंग के कपड़े पहनने होते हैं। बचपन में उसने जो फ्रॉक पहने थे उसके बारे में उन्हें अभी भी याद है। मोजों के विषय में भी उन्हें याद है, मोजे उन्हें खुद को धोने पड़ते थे। रविवार की सुबह को उन्हें जूते की पॉलिश करनी पड़ती थी। आज भी उन्हें अपने जूते पॉलिश करना अच्छा लगता है। पहले के जूते इतने अधिक आरामदायक नहीं होते थे, जूते से उनका पाँव कट जाता था और उसका इलाज करवाना होता था। शनिवार को उन्हें कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। उन दिनों आज की तरह रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे, केवल कुछ घरों में ग्रामोफोन हुआ करते थे। बच्चों को कुल्फ़ी, कचौड़ी, समोसे खाने को मिला करते थे। गर्मियों में उन्हें कोक पेप्सी नहीं मिला करती थी, कोक पेप्सी के स्थान पर उन्हें शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत पीने को मिलते थे। उसे पेस्ट्री और चॉकलेट भी बहुत पसंद थी, जिसे वह रात के खाने के बाद आराम से बिस्तर में लेटकर मज़े से खाती थी। उसे शिमला के काफल, चना जोर गरम और अनारदाने के चूर्ण काफ़ी पसंद आते थे। लेखिका ने शिमला रिज पर खूब मज़े किए हैं। शाम के समय रंगीन गुब्बारे, जाखू का पहाड़, चर्च की बजती हुई घंटियां और संगीत, सब उसे मनोहारी लगता था। सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही सुहावना उन्हें लगता था। उस समय इतनी तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ियां भी नहीं थी। कभी कभार हवाई जहाज़ देखने को मिल जाते थे और उन्हें देख करके ऐसा लगता था कोई बहुत बड़ा पक्षी तेज गति से उड़ता चला जा रहा है। उन्हें चश्मा लगाना बहुत अजीब लगता था, अटपटा लगता था। डॉक्टर ने कहा कि बाद में उतर जाएगा, लेकिन यह तो उतरा नहीं। पहली बार जब उन्होंने चश्मा लगाया तो उनके भाई उन्हें खूब चिढ़ाते थे और कहते थे कि चश्मा लगाकर वह लंगूर जैसी दिखाई देती हैं। लेकिन अब उनके चेहरे का यह एक अंग बन गया है और लेखिका ने अनेक टोपियां भी इकट्ठी कर रखी हैं, जिन्हें वह आज भी लगाना पसंद करती हैं।